बार बार घर को लग जाती है बुरी नजर, घर में रहता है क्लेश, तो जाने नजर उतारने के 10 रामबाण उपाय। अचानक से घर में सब कुछ अच्छा चलते चलते बुरा होने लग जाता है, जैसे घर का विकास ना होना, लड़ाई झगड़ा होना, काम में मन नहीं लगना, घर में डर लगना, घर में हमेशा अशांति का माहौल रहने लगता है, घर के सदस्य किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। बुरी नजर लगने पर घर में दरिद्रता आने लगती है, वहीं काम धंधे को नजर लग जाए तो व्यापार ठप होने लगता है। बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होती है, व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो वह किसी बुरी संगति में फंस जाता है, उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आमतौर पर कहा जाता है कि किसी की घर को नजर लग गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है। ज्योतिष में नजर उतारने के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है और आपकी ज्यादातर समस्या का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं घर को नजर दोष से बचाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपाय। एक, काली मिर्च से दूर होगी काली नजर। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है और आए दिन आपके यहाँ कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, तो आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने सिर से 7 बार वार करके किसी एकांत स्थान पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसके बाद 5वीं काली मिर्च को ऊपर की दिशा में फेंक कर बगैर पीछे मुड़े चुपचाप घर वापस चले आना चाहिए। प्रयास करें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं। इस अचूक उपाय से आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और खुशियों का वास बना रहेगा। दो, जब घर के सामंजस्य को लगे नजर। यदि आपको लगता है कि आपके घर की एकता और प्रेम भाव को किसी की काली नजर लग गई है और अब आपसी प्रेम की जगह कलह होने लगी है, तो इसे दूर करने के लिए घर के मुखिया को रात के समय अपने बिस्तर के नीचे एक लोटा पानी रखना चाहिए। इसके बाद सुबह स्नान ध्यान के बाद उस लोटे के जल को अपने गुरु का या फिर अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हुए किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। इस उपाय को करने से घर के सामंजस्य को लगी नजर दूर हो जाती है। तीन, जब किसी व्यक्ति को लगे नजर। यदि आपको लगता है कि आपके घर के किसी सदस्य को नजर लग गई हो, तो एक नींबू लेकर उसे 7 बार नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से वार लें और उसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगे उसे पंचमुखी का हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नित्य पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधों का सिंदूर माथे पर लगाएं। अगर कोई व्यक्ति बुरी नजर से प्रभावित है तो उसे भैरव बाबा के मंदिर से मिलने वाला काला धागा धारण करना चाहिए। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चार, जब व्यापार को लगे नजर। यदि आपको लगता है कि आपके कारोबार को अक्सर किसी की बुरी नजर लग जाती है, तो आप इससे बचने के लिए अपने कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांध करके लटका दें। नजर दोष दूर करने के इस उपाय का करते ही आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। अगर नजर दोष की वजह से बार बार धन हानि हो रही है, तो लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। 5, आपके घर में बुरी नजर की शुरुआत मुख्य दरवाजे से होती है। ऐसे में अगर आपको कुछ भी बुरा रोकना है, तो इसे घर के बाहर ही रोक दें। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर मोर पंखिया मोर का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। 6, अगर आपके घर के किसी भी सदस्य को बार बार बुरी नजर लग जाती है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी भी बुधवार या फिर गुरुवार के दिन एक नींबू और 7 लाल मिर्च को काले धागे में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों की तथा आपके घर की बुरी नजर से रक्षा होगी। 7, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भी शुभ दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर 7 कौड़ियों की बंधनवार बनाकर लटका देना है।
ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। 8. सूरज निकलने से पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर स्वास्तिक का निशान बनाना है और उसके बाद आपको स्वास्तिक के निशान के ठीक ऊपर ओम गणेशाय नमः और नीचे शुभ लाभ लिखना है। ऐसा करने पर आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और कोई भी बुरी शक्ति या फिर बुरी नजर आपके घर पर नहीं लगेगी। 9. घर को सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर रख दें और फिर शनिवार के दिन तेल से निकालकर साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करें। इसके बाद यूं आकर में घर के बाहर टांग दें और बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा दें। ऐसा करने से बुरी नजर को दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 10. ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का बंधनवार टांग दें। अशोक के पत्तों का बंधनवार घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है। बुरी नजर से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर मोर के चित्र लगा दें। ऐसा करने से घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां और बुरी बलाएं टल जाती हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगती है। घर में ऊपरी बाधा या फिर नजर दोष से बचने के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर की चौखट पर हर रोज पानी में हल्दी डालकर छिड़काव करें। साथ ही आप लोबान का धुआं बुरी नजर से बचाने के लिए काफी कारगर माना जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।